दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, ACNBC। आप दोस्तों, मछली का बच्चा यह है बैकरी, जिसको गांव में बैकरी बोलते हैं, और रियल नाम इसका है पंगेशियस। तो दोस्तों, ये जो बच्चा अभी आया है, काफ़ी दूरी से चल के आया है। पहले इसको ठंडे दूसरे पानी में रख करके और थोड़ा सा इसका स्ट्रेस कम किया गया है। अब क्या किया जाएगा, पहले इसमें से निकाल रहे हैं, ये देखिए, ये वाली भी है। हाँ, और बहुत बहुत सारी है ना, तो इसको निकाला जाएगा। इसके बाद में जब ये पूरा इसमें से निकल जाएंगी, फिर जोन हो गया वो हो गया, क्या होता है, फिर ये वाली भी है। अरे देखो, अभी जब ज़्यादा पानी में डालेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा बर्ड मछली ठीक ठाक रहेगा, कौन सा गड़बड़ होगा। ये वाली देखो, ये जो उलट गई है। तो दोस्तों, ये है पंगास, और इस मछली की, एक मछली की कीमत है 6.5 रुपये। 6.5 रुपये का एक पीस पड़ा है ये। और ग्रोथ में दोस्तों, ये बहुत फास्ट ग्रोथ होता है इसका, क्योंकि ये कैट फिश है और सारी कैट फिशें बहुत फास्ट ग्रोथ करती हैं, पर ये मछली कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ करती है दोस्तों। पर एक उसके साथ में कंडीशन होता है, जैसे कि अगर आप इन बर्ड को, सॉरी दोस्तों, क्या करें, बार बार बर्ड ही आ रहा है, इस मछली के बच्चे को दोस्तों, जब आप अच्छे से फीडिंग कराएंगे तभी जाके इनमें अच्छे से ग्रोथ आता है। ये काफ़ी दूर से चल के आया है दोस्तों, इसलिए अभी इस पानी में ये मेंटेन होगा। और इसके बाद में ये देखिए, इसको आराम से पानी में नीचे उतर के, ऐसे ऊपर से नहीं फेंकना होता कभी भी, क्योंकि ऐसे जब ऊपर से फेंकेंगे मछली सदमे में चली जाएगी, फिर वो ग्रोथ नहीं लेगी। आराम से वहीं छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। तो इसको अभी पानी में छोड़ दिया गया है। पानी में छोड़ने के बाद दोस्तों, आप देख पाएंगे कि कहीं भी एक भी बच्चा ऊपर नहीं रह जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब मछलियां मर जाती हैं तो पलट करके ऊपर आ जाती हैं, ये पहचान होता है मरी हुई मछलियों का। अभी ये है नमक दोस्तों, नमक डाल दिया जाएगा, क्योंकि पानी का जो है, अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है दोस्तों, बहुत काफ़ी बारिश हो रही है। हम लोग सुबह से ही भीग रहे हैं पानी में, तो ये पूरे तालाब में नमक छिड़का जाएगा। और नमक छिड़कने के बाद में, क्योंकि इससे पहले ही इसमें मैंने जो भी केमिकल डालना होता है वो हम डाल चुके हैं, अब सिर्फ इसमें नमक बाकी था, वो मछली डालने के बाद में डाला जाता है, तो अभी डाल रहे हैं दोस्तों। ये मछली 4 महीने के अंदर लगभग में 400 ग्राम की हो जाती है। बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मछली पालन कर रहा हूँ, मुझे सारा आइडिया है। इस तालाब में जो मछलियाँ थी वो देसी थी, देसी मतलब क्या, कैट फिश थी, और सॉरी IMC थी, उनको मैंने निकलवा दिया है, क्योंकि IMC मछलियों से दोस्तों वो उत्पादन नहीं मिल पाता जो अपने को चाहिए। क्योंकि मेरा क्या है, मैं जितना जल्दी, मुझे जल्दी पैसे चाहिए, इसलिए मैं कैट फिश हमेशा डालता हूँ अपने तालाबों में। हो चुका है, ये लोग को भी बहुत काफ़ी ठंडी लग चुकी है दोस्तों, और मैं भी सुबह से ही भीग रहा हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे बर्ड्स आने वाले हैं, तो इसको फेंक के इसको उठा ले चलो, नहीं तो कोई पैर रख देगा तो टूट ही जाएगा। अरे 2-3 बार तो टूटा है यार। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में किसी भाई को कोई जानकारी लेनी है तो वो भी मुझे कॉल कर सकता है मेरे नंबर पे। पर दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सुबह के टाइम फ़ोन मत किया करिए,
शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कॉल करिए दोस्तों। काफ़ी ठंडक लग गई है, इसलिए हम लोग अभी आग जलाए हैं, और आग जलाने के बाद में सेक रहे हैं हाथ